जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं राजधानी भोपाल में भी इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तमाम आयोजनों पर पुलिस की नजर रहेगी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से बातचीत की। 22 जनवरी देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय किया गया है और जगह जगह इस दिन को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, तो तमाम स्थितियों को संभालने के लिए पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 22 तारीख के आयोजनों को लेकर भोपाल में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। सर, 22 तारीख को बड़ा दिन है, भोपाल में कई आयोजन किए जा रहे हैं, उस दिन किस तरीके की गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से इनको लेकर जारी की गई है, क्या तैयारी आप लोगों की है? पूरे एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर के पुलिस ने भी तैयारियां जो व्यवस्था के ठीक रखने के लिए अच्छे सकारात्मक तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है उसको किया है। खासतौर पर इस पूरे आयोजन के दौरान सभी कार्यालयों को भी ठीक रखने के और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें भी पुलिस लाइन और अलग अलग जगह पुलिस स्टेशनों में लोग विशेष तौर पर अभियान चलाएंगे। लगातार बैठकें भी ले रहे हैं, आज भी आपकी एक बैठक हुई थी जहां पे तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे, यहां पे क्या निर्देश दिए गए हैं और जो आयोजक है क्या उन लोगों से आप लोगों का संवाद हो पा रहा है? इसमें स्थानीय स्तर पर आयोजकों जो है आयोजक से सभी जगहों से संपर्क हुआ है और उसमें जो जरूरी जहां जहां पे कार्यक्रम है पुलिस को उन चीजों की जानकारी के साथ साथ वहां पर अगर कहीं व्यवस्था लगानी है, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं पर पुलिस ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। सर, 22 तारीख को शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, लेकिन देखा जाता है कि जब भी शराब की दुकानें बंद होती है तो अवैध शराब की बिक्री काफी बढ़ जाती है, उसको किस तरीके से आप लोग मॉनिटर करने वाले? उसके लिए भी अवैध शराब की बिक्री न हो पुलिस कठोरता से तैनाती रखेगी और ऐसी शिकायत आने पर कार्रवाई करेगी। देखिए, बस 22 तारीख को एक बड़ा आयोजन अयोध्या में जहां होने जा रहा है, तो वहीं इस मेगा इवेंट के चलते राजधानी भोपाल में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। कई बार ऐसे आयोजनों में विवाद की स्थिति भी बनती है, कई बार अशांति भी फैलती है, लेकिन भोपाल पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यहां पे तमाम अधिकारियों को और तमाम थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि उस दिन शांति व्यवस्था बनी रहे, तो साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी सख्त निर्देश यहां पे भोपाल कमिश्नर ने दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।